क्या एक कोठी ने मध्य प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है? क्या वो सालों पुरानी कोठी टूट जाएगी? आखिर कोठी जो है इतनी चर्चा में है क्यों? तो ये कोठी है पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की। कोठी को लेकर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोठी भिंड जिले के लहार में है। आरोप है कि यह कोठी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है, जिसको लेकर अब गोविंद सिंह और जिला प्रशासन के बीच आर पार की लड़ाई होने के हालात बन चुके हैं। कोठी को तोड़ने से रोकने के लिए गोविंद सिंह अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली, जिसके बाद कोठी पर एक्शन की कार्रवाई अब तेज हो चुकी है। जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ गोविंद सिंह की कोठी पहुंची, कोठी की नापजोक की। इस दौरान गोविंद सिंह के समर्थकों और परिजनों के साथ प्रशासन की टीम की तीखी बहस हुई, कहा सुनी हुई। बहस और नोकझोंक के बीच जिला प्रशासन ने नापजोक का काम तो पूरा कर लिया, हालात को बिगड़ते देखा तो मौके पर भारी पुलिस बल भी बुला लिया। गोविंद सिंह का कहना है कि मैंने एक इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी दुर्भावनावश ये सब करवा रही है। गोविंद सिंह ने विधायक अंबरीश शर्मा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने फूक कर दिया ना जा रहा गोविंद सिंह की कोठी को बचाने के लिए एमपी कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने लहार में भाजपा सरकार के विरोध में जंगी प्रदर्शन भी किया, तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच पर बैठे कांग्रेस नेताओं की तरफ देखकर रोते हुए कहा, आप लोग मेरी मदद भले ना करें, लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आप लोग उनकी मदद करें। गोविंद सिंह मंच पर भावुक हो गए, वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे और फर्जी केस कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्याय सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि आम जनता के साथ भी किया जा रहा है। हमें अपनी परवाह नहीं है बल्कि कार्यकर्ता की चिंता है। उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं से लहार क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। भिंड में गोविंद सिंह की कोठी को लेकर अब राजनीति चरम पर है। एमपी के कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भिंड में गोविंद सिंह के समर्थन में प्रदर्शन भी किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और भिंड कलेक्टर के बीच बहस हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई और कानून का पाठ पढ़ा दिया। जीतू पटवारी कलेक्टर से बोले, जिले में अवैध खनन हो रहा है, ये नहीं दिखता आपको? आपकी ऐसी हरकत चलती रही तो आपके खिलाफ कोर्ट में FIR लिखवाएंगे। हैरानी की बात यह है कि कई मुद्दों पर कांग्रेस नेता भले ना सड़कों पर उतरे, लेकिन गोविंद सिंह की कोठी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आंदोलन कर रही है। अगर यही आंदोलन महंगाई और बेरोजगारों के समर्थन में सत्ताधारी दल के खिलाफ होता तो क्या बात होती, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, यहां कोठी के बहाने कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में यह देखना है कि गोविंद सिंह की कोठी का क्या होता है, क्या प्रशासन का हथौड़ा कोठी पर चलेगा या फिर कोठी बचेगी। इस सवाल के इंतजार के लिए कुछ दिन का इंतजार और करना होगा।